आज अपन देखने वाले हैं ड्रीम युगा होंडा की बाइक है, इसका चाबी स्विच कैसा चेंज करने का है। ये देखो ड्रीम युगा होंडा बाइक, ये पहले ऊपर के नटर निकलने के बाद पूरा हैंडल बाहर निकलता है। इसके बाद यहाँ पे दो नट रहते हैं, वो नट निकालने के बाद अपने आप चाबी स्विच पूरा निकल जाता है। ये नीचे वाला एक है और उसके ऊपर एक नट है। ये दोनों नट निकालने के बाद चाबी स्विच अपने आप निकल जाता है। ये मिंडा का यूनियन पार्ट है, ये होंडा को सप्लाई करता है। जैसे पुराना निकाला वैसे ये नया उसके अंदर डालने के बाद ये दो नट टाइट कर देने के। इसे फुल टाइट करना पड़ता है, नहीं तो वाइब्रेशन से वापिस निकल जाने के चांसेस रहते हैं। ये वापस लगाने के बाद यहाँ पे हैंडल के और शॉकअप के दो नट रहते हैं, पहले हैंडल का नट बिठाने का। बाद में शॉकअप के नट बिठाने का। इसके बाद एक बार चाबी स्विच चेक करने का। ये देखो अभी हैंडल लॉक करके देखो तो तुमको ये हो गया हैंडल लॉक। बोले तो चाबी स्विच पूरा वर्क कर रहा है। इसी तरह चाबी स्विच चेंज करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो।